हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे लेक्चर नंबर 6, साइंस, चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल ऑफ यू सीन एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर्स में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था। सो टुडे न्यू टॉपिक इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स, मीन्स जानवरों में अनुकूलन किस तरह से होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास के जानवरों की एक सूची बनाएं। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विद योर लिस्ट, अपनी सूची में अपने दोस्तों द्वारा सूचीबद्ध जानवरों की विविधता की तुलना करें। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जानवर। डिस्कस द हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइक वर्टीबल कॉलम्स, विंग्स, गिल्स, टेल्स, इटेसी एंड प्रिपेयर ए चार्ट। आवास, भोजन की आदतों, कौशल, कशेरुक स्तंभ, पंख, गलफरे, पूछ आदि जैसे शारीरिक संरचनाओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उनका एक आपको क्या करना है, चार्ट तैयार करना है। मीन्स व्हाटएवर कॉलम मीन्स कशेरुक स्तंभ, विंग्स मीन्स पंख, गिल्स मीन्स गलफरे, टेल्स मीन्स पूछ। इनका क्या करना है आपको, एक चार्ट तैयार करना है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्यूटिक एनिमल्स। ऑल ऑफ यू लास्ट लेक्चर्स में मीनिंग एक्सप्लेन किया था। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या है, जो जमीन पर रहते प्राणी। एक्यूटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं। सो स्थलीय और जलीय जानवरों के बीच आई का क्या अंतर है। As compared to terrestrial animals, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes. स्थलीय जानवरों की तुलना में जलीय जानवरों की त्वचा और शरीर के आकार में परिवर्तन देखा गया है। जो जमीन पर जो प्राणी रहते हैं और जो पानी में रहते हैं, उनके जो त्वचा होते हैं, शरीर के जो आकार होते हैं, शेप होते हैं, वो क्या है, डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। लाइक आपने फिश देखा होगा, मछली, तो मछलियों की त्वचा पर तराजू और शरीर पर पंख होते हैं। उनके साइड से आपने देखे रहेंगे, फिन्स जो होते हैं, पंख होते हैं। फिश आपने देखा रहेगा मार्केट में, जो मछली मिलती है उसमें भी आप देखा रहेगा, यार गाँव में भी रहते हैं नदी में। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक ए स्पिंडल। और उनकी उनकी जो शरीर की होती है, एक स्पिंडल की तरह दोनों सिरों की ओर जाता है। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक ए स्पिंडल। फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। और जो मछली होती है वो सांसें किससे लेते हैं, गलफरे से। अभी नॉर्मल हम लोग किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं, नोज से लेते हैं, बट लेकिन मछलियाँ जो होती है वो क्या, नाक से नहीं लेते, वो क्या लेते हैं, गलफरे से, गिल्स। देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंस आईलेड्स। और उनकी जो आँखें होती है वो क्या होती है, पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी पलके होते हैं उनके। देयर दे हैव एयर ब्लेडर्स विथ इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। और उन्हें तैरने में मदद करने के लिए शरीर के भीतर वायु मूत्राशय होता है। और उनको फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए क्या होता है, शरीर में वायु मूत्राशय होते हैं, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, पानी में तैरते फ्लोट करते हैं। सो ऑल ऑफ यू सीन पिक लाइक फिश के जो गिवेन है आपके टेक्स्ट बुक में, ऑल्सो गिवेन है। सो फिश में किस तरह से फिश के होते हैं, फिन्स कैसे वो दिखते हैं, गिल्स कहाँ पे होते हैं, ऑल ऑफ यू सी एंड स्केल्स जो होते हैं उनके बॉडी का। सो आप ऑल ऑफ यू सी ऑल्सो टेक्स्ट बुक में गिवेन है एंड ऑल्सो ड्रॉ द फिगर इन नोटबुक। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस। आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना है फ्रॉग के, कछुए कछुए की बॉडी को, और बतख, डक मीन्स बतख और मेढक, डक मीन्स बतख एंड कछुए के और तथा मेढक के, इस तो इन ये तीनों एनिमल्स से क्या करना है आपको, लगेगा निरीक्षण करना है उनका, फ्रॉग का करना है, डक का करना है एंड टॉर्टोइस का करना है, कछुए के, मेढक के और बतख के। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स, इन जानवरों के पैर किस काम के हैं। सेकेंड पॉइंट, वाट हेल्प्स फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर, मेढक को पानी के भीतर सांस लेने में क्या मदद मिलती है।
थर्ड पॉइंट इज ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हैंड लेग्स ऑफ ए फ्रॉग, मेढक के लंबे हैंड मेरे पैर किस काम के हैं। फोर्थ पॉइंट इज व्हाई डज नॉट ए डक गेट वेट इन वाटर, एक बतख पानी में भीग क्यों नहीं जाती है। लाइक आपने देखा रहेगा गार्डन में किधर जो तालाब होते हैं उसमें आपने बतख को देखा रहेगा, बट उनके जो बॉडी रहते हैं वो क्या होते हैं, भीगे नहीं होते। ऑब्जर्वेशन किया रहेगा लाइक किसी पार्क में जहाँ पे तालाब रहता है वहाँ पे भी बतख रहते हैं। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टॉयज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स, जैसा कि मेंढक और बतख ने पैर की उंगलियों को काट लिया है वे अपने पैरों को औरों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फीचर्स ऑफ बर्ड लाइक डक एंड वाटर हैंड, बतख और वाटर हैंड जैसे पक्षियाँ की मोमी विशेषताओं से पानी बहता है, इनके कारण से क्या होते हैं पानी बहता है। वेब टोज स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रेंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम ईजिली थ्रू द वाटर, वेब पेड जो होते हैं पैर की उंगलियाँ फिसलन चिकनी स्लिपरी मीन्स फिसलन एंड स्मूथ स्मूथ मीन्स चिकनी त्वचा जो होती है उनके स्किन होते हैं एंड ए ट्रेंगुलर हेड और किस तरह जो त्रिकोणीय सिर मेंढक को पानी के माध्यम से आसानी से तैरने में मदद करते हैं। सोलोफिसिन डक के जो पीके किस तरह से दिखते हैं, कलर कौन से विच टाइप ऑफ कलर है वाइट का एंड ऑल्सो वेब टॉस किस तरह से रहते हैं उनके, ऑल्सो टेक्स्ट बुक में भी गिवेन फिगर। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, और ये क्या करते हैं जमीन पे भी रहते हैं एज वेल एज पानी में भी रहते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन किया रहेगा बतख जो है पानी से बाहर आकर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड, तो उनमें एबिलिटी क्षमता है कि लाइक जो सांस लेते हैं पानी में किस तरह से लेते हैं स्किन से अपने त्वचा से लेते हैं, और जब ऊपर आते जमीन के ऊपर तो सांस किससे लेते हैं नाक से और लंग से फेफड़े से लेते हैं और नाक से लेते हैं। द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड एमंग ग्रासेस, एक मेंढक की पीठ के विशिष्ट रंग इसे घासों के बीच छिपाने में मदद करते हैं, और हिडन मीन्स हाइड मीन्स क्या करना छिपाना लगेगा। मेक ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर्स एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन, आपको क्या करना है एक लिस्ट तैयार करना है और कुछ जो एम्फीबियन जो एनिमल्स होते हैं एंड उनके बारे में उनका एडेप्टेशन स्टडी करना है, देर उनके स्टडी किस क्या क्या एडेप्टेशन अनुकूलन क्या है नहीं है सो आपको अध्ययन करना है इसके बारे में। सर टूडे होमवर्क इज राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न, राइट डाउन करना नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न करना है बाय हार्ट करना है। सो फर्स्ट वन इज सब्स, सेकेंड वन इज हब्स, थर्ड वन इज कॉम्पेट, थर्ड फोर्थ वन इज क्लाइंबर्स, फिफ्थ वन इज बुशेस, सिक्स वन इज फाइबरस रूट्स, सेवन्थ वन इज इरोसन, एट वन इज इक्टोरियल रीजन, नाइन्थ वन इज हेडन, टेंथ वन इज वॉस मिडोस, एलेवेंथ वन इज प्लेन्स। सो टोटल 11 डिफिकल्ट वर्ड्स है, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन नोटबुक। फर्स्ट कॉलम इज इंग्लिश के, सेकेंड इज हिंदी एंड थर्ड वन इज मराठी, ऑल थ्री लैंग्वेज में वर्ड्स मीनिंग गिवेन है, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन करना है इन नोटबुक में एंड ऑल्सो बाय हार्ट करना है लर्न करना है। सो टुडे लेक्चर स्टॉप, थैंक यू सो मच, प्लीज़ ऑल ऑफ यू सी फुल वीडियो, थैंक यू।